फैज़ कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान और अनवर। मैं हूं मोहम्मद सैफ। और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं एपिसोड 145 का नेक्स्ट पार्ट। तो पिछले पार्ट में जैसा आपने देखा कि एक बार भाई अब महर्षि मार्कंडेय जी बता रहे हैं अपना पार्वती जी को कि कैसे उन्होंने चीज़ें की। अब आगे देखते हैं तो करते वीडियो स्टार्ट। इसे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। इसकी शिक्षा संपूर्ण संपूर्ण। ज्ञान तो प्राप्त कर लिया परंतु था तो बालक ही। मेरा मन आश्रम के दूसरे बच्चों के साथ खेलने में लगता, किंतु मेरे माता पिता किसी कारणवश मुझे देखकर दुखी रहने लगे। आशीर्वाद से हुआ था। हमने आपकी तपस्या पुत्र की प्राप्ति तो की है महादेव। ऋषि मार्कंडेय, आपके और आपके पत्नी के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है, परंतु तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। मैं आपको एक पुत्र का वरदान देता हूं। कहिए कैसा पुत्र चाहिए आपको? गायों से सुसज्जित और बुद्धि से वंचित पुत्र या बुद्धि से अतुलनीय पर अल्प आयु वाला पुत्र? जिसकी बुद्धि अतुलनीय हो, हमें ऐसा पुत्र दीजिए प्रभु। किंतु उसकी आयु केवल 12 वर्ष की ही हो। उसके पश्चात उसके जीवन काल हो जाएगा। शिव के वरदान स्वरूप ही तुम्हारा जन्म हुआ था, लेकिन तुम्हारी आयु 11 वर्ष बीत चुकी है, अर्थात 12 वर्ष होने में सिर्फ 1 वर्ष बाकी है। हम दोनों को केवल तुम्हारी मृत्यु का भय सता रहा है। यार ये तो पिताश्री, मैं अपने जीवन का सारा ज्ञान प्राप्त करके अपने मृत्यु के भय से मुक्त हूँ, परंतु मैं अपने माता पिता को दुखी कभी नहीं देख सकता, इसलिए मैं अपने मृत्यु पे विजय प्राप्त करने जा रहा हूँ। लौटकर आप दोनों की सेवा करके पुण्य प्राप्त करूँगा। शिव ने मुझे बुद्धि दी थी, गुरु ने ज्ञान दे दिया था। बुद्धि और ज्ञान हो तो आयु भी प्राप्त की जा सकती है। मैं शिव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगा और मैंने एक नए मंत्र की रचना की। तपस्या करते करते 1 वर्ष बीतने का आभास ही नहीं हुआ। बालक, बंद करो ये तपस्या। तुम्हारी आयु पूर्ण हो चुकी है। मैं तुम्हारे प्राण हरने आया हूं। मैं
मैं यम हूँ यम, मृत्यु का देवता यमराज। नहीं यमराज, मुझे अपने माता पिता के लिए जीवित रहना है, इनकी सेवा कर अपने पुत्र धर्म का निर्वाह करना है, उसके पश्चात आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं। मृत्यु कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, जब आयु पूर्ण हो जाती है तो प्राण हरना मेरा धर्म है, मुझे अपने धर्म का निर्वाह करने दो, तुम्हें तो मरना ही होगा। मेरे यम पाश से बचना संभव है बालक, आने वाले भविष्य में ये मंत्र
महामृत्युंजय के नाम से जाना जाएगा। और इस मंत्र का जाप करने वाले को कभी अकाल मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। ये थे वो चंद्रयान का मंत्र, जो चंद्रयान चंद्रमा अब मंत्र का राज पता चला। यदि मैं माँ मृत्युंजय का जाप करूंगी तो मेरी माँ की मृत्यु नहीं होगी। मुझे मंत्र दीजिए बस। ओम ओम दम ओम श ओम भू ओम भुआ ओम यमगम वजमहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम। खुद ब खुद ही सब कुछ सुगंधि पुष्टि वर्धनम। ओम सा ओम जम ओम हम ओम भू। महर्षि भी हैरान। ये मंत्र तो आपको पिछले जन्म से ही याद है। आपने सती के रूप में अवतरित हो इसी मंत्र द्वारा चंद्रमा को प्रजापति दक्ष के श्राप से मुक्ति दिलाई थी। अब आया कुछ याद, सब आ गई याद है पहले। याद है? लो भाई, एक बार तो चीजें देख ले कि कैसे याद तब्दील हुई है कि। लेकिन मुश्किल था, लेकिन ये कि ये साथ-साथ चीजें क्लियर होती जा रही हैं। जो चीजें हुई है ना साथ-साथ, उनको जो है ना वो पता भी चलता जा रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज। और देख ले कि यहाँ पर एक महर्षि मार्कंडेय के पीछे जो एक कहानी छुपी हुई है कि जैसे उनको वो भाई वरदान मिला था। देख ले कि एक उनके माता पिताजी को नहीं होना था भाई पुत्र, लेकिन फिर भी उन्होंने एक तपस्या की तो उनको वरदान मिला, उनको पुत्र हुआ। और जिसकी सिर्फ भाई लाइफ वो उन्होंने भाई 12 वर्ष थी। और आगे फिर उन्होंने एक साल 11 साल गुजर गए, एक साल तपस्या की, एक साल के बाद यमराज लेने आ भी गए थे भाई मृत्यु बन के। लेकिन वहां से चीजें चेंज भाई, मतलब के एक तो ख्वाब का फायदा हुआ कि एक महादेव जी को देख लिया है एक, क्योंकि वो अभी तक भी भाई एक ध्यान गुना अभी तक भी मतलब के तपस्या से नहीं उठे, तो इसी वजह से आप भाई एक महादेव जी को भी देख लिया और काफी अच्छा महसूस हो रहा है। लेकिन एक मंत्र की बात करें तो आज भाई सब चीजें जो एक सती जी ने पढ़ा था ना, और मतलब के चंद्रमा की लाइफ याद कर लिया, उसका एक मतलब के बैक स्टोरी का नहीं पता था इस मंत्र की पावर का, लेकिन आज पता चला उसका। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये है कि जैसे ही उन्होंने भाई स्टार्ट किया और साथ ही वो चलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और साथ ही महर्षि मार्कंडेय को पता चल गया कि ये तो ऑलरेडी सब कुछ जो सीखा जा चुका है। लेकिन देखते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में चीजें कैसे बदलती हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।